सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आप सभी का शहजाद फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस कैसे हैं आप, आई होप अच्छे होंगे और आप लोग की दोस्त गाइस हम लोग भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो गाइस जैसे कि संडे या संडे आज छुट्टी रहती है, तो हम लोग सोके उठे, नाश्ता वास्ता किए और नाश्ता वास्ता करने के बाद में मैं नहा धो के फ्रेश होकर रेडी हो गया हूँ। मतलब ऐसे ही रेडी हो गया, नहा धो लिया, कपड़ा पहन लिया। और गाइस आज जैसे कि आज हल्लू की तबीयत ख़राब है, उसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो समझ लो सदमा ही सदमा हो जाता है। उसको सर्दी होती है ना गाइस, तो उसकी सर्दी इतनी भयानक है कि अगर वो छींकती है ना तो कोमा में आदमी रहेगा ना, वो भी उठ जाएगा। इतनी खतरनाक सर्दी है और छींकना तो उसको तो क्या ही बोले आपको, आप लोग देखोगे तो परेशान हो जाओगे उसकी। वो तो छींकती इतना भयानक है कि क्या बताऊँ। तो अभी जाके मेडिकल से उसका दवा वा लेकर आया और अभी दवा खा के अभी थोड़ा सा लेटी हुई है। और यहाँ पे मुस्कान आज हमारी बच्ची बना रही है दाल चावल। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे आप सब, ये गिर गया है इसके ऊपर से दाल ऑर्डरी। बस यहाँ मेरा खाना बन चुका ऑलमोस्ट। क्या बनाई? दाल चावल। दाल ऑर्डरी है, चावल बनाई, चावल बन चुका है और बस सलाद काटने का। सलाद खाएंगे ना तुम? कांदा मिर्ची टमाटर नमक सादा है तो फिर वही खा लेना। हाँ चलेगा। चलो मेरा बच्चा इतना तो बना देता है खाने पुरता। आता है मुझे खाने बनाने। नहीं तो हम लोग भूखे नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएगी, बीमार पड़ जाती तो हम लोग के वांदे हो जाते। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, आता है मुझे खाना बनाना, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बना लेती हूँ मैं। दाल चावल ही नहीं, दाल चावल बना लेती है, भाजी बना लेती है, रोटी नहीं बनाती, बाकी बनाती हूँ। बेलनी नहीं आती, नक्शा बन जाता है बस, गोल नहीं होती है, गोल नहीं होता। चलो इतना ही बनाई तो बहुत अच्छा। यस, और सिर्फ जैसे पुलाव बिरयानी ऐसे बड़ा बड़ा नहीं आता है, बाकी चिकन का सालन नॉर्मली सब आता ही है, उतना मतलब खिला सकती, भूखे नहीं रहेंगे तुम लोग, टेंशन मत लो। हाँ चलो उतना तो बना लेती है। यस। और यहाँ पे ये देखो मैडम को, अम्मी की ना एक्चुअली आग जल रही थी उनकी, तो मैंने उनकी आग पे लगाई हूँ ककड़ी, मतलब उनकी ना आग से भाप निकल। सब होना लेकिन सर्दी नहीं, सर्दी नहीं होना। यस गाइस, मेरी अम्मी की सर्दी है ना, मेरी ये जो नस है ना यहाँ की, ऐसा फट जाती है बहुत जोर। अरे रात में मैं सो गया था, नींद में आ गया था, इतना जोर से छींकी ना मैं उठ गया। नहीं उनको ना गाइस, वो उनकी पहले नेचुरली छींक, वैसे आपको नॉर्मली छींकते वो बहुत जोर से छींकते तो बहुत टेंशन हो जाता है, पूरा भयानक छींकती है वो, एकदम से इतना भयानक छींकती है जिसका कोई लिमिट नहीं है। अरे क्या आप क्या बोल रही है? आवाज ही नहीं निकल रही, आवाज नहीं निकल। कल भी और वो तो छोड़ो, बीमार रहती है ना तो उसको बोलोगे सुकून से बैठ जा घर में, लेट जा, दवा खा के सो जा, नहीं कपड़ा लेके ये साफ करना, ये साफ करना, कुछ चालू रहता है खुद। अभी चिल्लाया हूँ तो अभी जाके लेटी है, लेट रही नहीं है, मैं यहाँ पे खाना बना रही ना तो ये वाला कपड़ा है ना, अभी जोर से डांटा हूँ तब जाके लेटी है, ये वाला कपड़ा है ना, तो ऐसे स्टैंड पोछ रहे, ये कर रहे, और मैं वहाँ खाना बना रही था, हम दोनों ने चिल्लाया था तब जाके वो अभी सोए, अभी लेटे। अरे बीमार है, तबियत खराब है, दवा खाई तो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, उसके बाद फिर करना जरूरी है। एक दिन नहीं करेगी तो क्या कुछ हो जाएगा एक दिन नहीं करने से? समझते नहीं, जला दी? नहीं फिर? देख रही थी चावल बन गया क्या, बन गया, कच्चा लग रहा था ना, तो उसे दम पे दी थी। और अम्मी की ना आग जल रही है, उनको शायद से ना हड्डी में बुखार है तो आग जल रही है ना, तो मैंने सर्दी से ना दर्द हो रहा है और गर्म भी। हाँ तो सर्दी से हो रहा है, शाम को जाके तो, लेकिन आज संडे आज दवा खाना तो बुखार का चालू रहेगा ना शाम में। चलो देखते हैं, अभी तो जो गोली का अगर उससे आराम पड़ गया तो ठीक, नहीं तो फिर शाम में दवा खाना जाएंगे। तो शाम को जाके दवा लेके आ जाना, शाम को चले जाना मुख्तार के घर। नेत्रा गुलाब आई ड्रॉप ये डाली और थोड़ा सा ककड़ी रखी, मेरी कैसे गर्माहट खींच रही है तो वही ककड़ी रखी बैठे थे आग पे। ठीक है चलेगा, शाम को जाके दवा लेके आ जाओ आराम से यहाँ से। शांति से लेट जा, अभी कुछ कर मत, काम कुछ भी नहीं है, कल हम लोग कपड़ा धोना नहीं है, कपड़े भी नहीं है, अरे कल खाना बन गया, पानी भर लो, झाड़ू पोछा कर लो, सो जाओ आराम से। और क्या बोलते हैं, पानी भरने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगता है, 10 मिनट, 10 मिनट पानी भर लेना। और कल शादी में गए थे तो बर्तन भी थे नहीं, धोने की सुबह चाय के निकले थे तो वो भी हो चुका है, काम कुछ भी नहीं है, बट इनको चैन नहीं है, समझा के जाओ। तो पूछना रहता है हर दम, दिन भर पूछना है, पूछने के चक्कर में एक बार मालूम मालूनी में इसे खूब लड़ाई होती, उठा के सब फेंक दिया था सर सामान सब। कभी मालूनी में तू छोटी थी जब, तो मुझे कैसे कलर का कलर करने के लिए नहीं पता मुझे, याद भी नहीं। एक बार मालूनी में गैस बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था ये सब चीज को लेके, तबीयत खराब रहती फिर भी कुचर 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 करते रहती है। ईद का ही टाइम था, हाँ ईद का ही टाइम था, मैं बोला जान दे कलर अच्छा है, कलर मत मारो, नया ही कलर था, नहीं मानी, बोलो कलर वलर मंगा के घोल घाल के रखी। दोपहर में मैं खाना खाने काम पर से आया, देखा ये सब वो मीठा पटर सब कलर वलर सब फेंक दिया था बाल्टी वाल्टी,
तेरा नाना आके समझा के गया था। पता नहीं, मैं तो छोटी थी, मुझे तो याद नहीं। कि तेरा नाना आके समझा के गया था। तो चले गाइस खाना खा लेते हैं, अभी बन गया ऑलमोस्ट खाना, 10 मिनट लग गया, सिर्फ दाल लौट रही है अभी। चलो तो फिर खाना खा लेते हैं, फिर आपको सुनाई। मेरा खाना बन चुका है, यहाँ पे चावल भी बन गया है, यहाँ पे दाल भी हो चुकी है। धूखा ना थोड़ा सा, क्यों पूरा पेट भर के ना? नहीं ज्यादा गर्मी है, थोड़ा सा दो। अम्मी तुमको भी निकालू? खा लो ना, तुम भी खा लो, दोनों जन खा के ले लो, थोड़ा खा के फिर सो जाना तुम, है ना। चलो खाना खा लेते फिर हम लोग, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ, लोग को खाना दे देती हूँ। मैं तो अभी खाऊंगी नहीं, मैं थोड़ा देर से खाती हूँ, भूख नहीं लगी अभी। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोपहर का खाना हो गया, खाना खा ली है एंड मैं नहावा के फ्रेश भी हो चुकी हूँ। सभी बज रहे हैं शाम के 7:30 एंड जैसे आप लोगों को पता है अम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, क्योंकि अम्मी ने जब दोपहर में गोली खाया ना तो उनको आराम पड़ गया था, बट शाम में जब हम पानी यानी भर के थोड़ा सा सोए ना तो अचानक से उनको फिर से ठंडी बुखार चढ़ गया। तो मैं ली चलो शाम अभी दवाई लेकर ही आते हैं। सो यहाँ पे मेरी अम्मी भी हालत ख़राब हो गई, अम्मी की दवाई ले लेती तो आराम पड़ जाएगा मेरे को, ना तो फिर रात में जैसे ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा मेरे को। हाँ अचानक 4 बजे मेरे को ठंडी चढ़ गई थी एकदम से, और अभी भी 5 बजे ठंडी लगने लग गई मेरे को। हाँ सब मौसम की वजह से तो नहीं हो रहा, गर्मी अपने को लग तो नहीं गई? हो गई ना ज्यादा, बहुत थकावट हो गई है, थकावट भी हो गई मेरे को उसकी वजह से। यस चलो चलो लेके आ जाती हूँ। हाँ और ये घर में बैठ सुहान, घर में रहना। सो चले हम लेकर आ जाते हैं, मेरी अम्मी दवाई ले लो जबरदस्ती, फिर वो मेडिकल की दवाई खाएगी, कुछ असर करेगा नहीं, सो इससे अच्छा एक बार ही के डॉक्टर को दिखा के दवाई ले लो। सो यस चले जाते दवाई लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते। संभाल के उतरो अम्मी, अम्मी को लग रही है काफ़ी ज़्यादा ठंडी, अम्मी ठंडी लग रही, बस पहुँच जाएगी, 5 मिनट का ही रास्ता। अम्मी ले रहे हैं चिकन, टमाटर एंड गली में काफ़ी ज़्यादा क्राउड है गाइस, लेते फटाफट। डॉक्टर है नहीं तो कॉल पे बात करके ही अम्मी दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर नहीं है ना, कॉल हाँ कॉल पे बात करके लिए ना, इंजेक्शन दिए। चलो हड्डी में बहुत बुखार है, हड्डी में बुखार ज़्यादा, तभी आँख जल रही थी ना तुम्हारी। चलो अच्छा है, मतलब बुखार निकल जाएगा इंजेक्शन दिखा देना, संडे ना डॉक्टर नहीं आएगा। अच्छा भाई संडे नहीं इसलिए डॉक्टर नहीं है, तो अम्मी ने कॉल पे बात करके लिए गाइस। तो चले हमने दवाई भी ले ली एंड सारा सामान भी ले लिए, सब चलते हैं घर पे। सामान भी ले लेते, हाँ ना सामान ले लेते, वरना आना नहीं होता है ना बार बार इस वजह से। चले गाइस सामान ले चुके हैं, अब चलते हैं घर पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे एंड हम लोगों को कम से कम है ना जुगली से जब हम बाहर आए तो हम लोग को 15 से 20 मिनट हम लोग को रिक्शा मिली नहीं, हम लोग वहीं पे खड़े थे एंड अम्मी को डॉक्टर ने मतलब इंजेक्शन दिया ना तो उनको घबराहट होने लगी, वो बेचारे पसीना 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 हो गए। सो बट जाके एंड में हमको रिक्शा मिली, सो हम लोग आ गए और यहाँ पर अभी अम्मी बैठे आए, बोले ज़रा अच्छा लग रहा है तो मसाला तोड़ते हुए। एंड यहाँ पर आज गाइस मैंने आप लोग को सुबह में मैंने बोली कि मुझे बस बड़ा बड़ा चीज़ नहीं आता बनाने, जैसे कि ले खीमा वगैरह, तो मैं आज खीमा ही बना रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे खीमा मतलब मेरा बन रहा, अम्मी मुझे बताते जा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी मैं खीमा पकने दी हूँ एंड यहाँ पे चावल बन रहा है, अम्मी मुझे बताते जा रहे हैं एंड मैं बनाते जा रही हूँ, और साथ ही साथ मैं इसकी रेसिपी भी शूट कर रही हूँ। सो वो रेसिपी गाइस आप लोग को मिलेगी मेरे चैनल पे मुस्कान एंड सुहांस ब्लॉग में, सो गाइस ज़रूर देखना जाके वो रेसिपी, मुझे अम्मी ने सब बता दिए कैसे है क्या है क्या करना है, तो मुझे वो बताते जा रहे हैं एंड मैं करते जा रही हूँ। सो अम्मी की रेसिपी है ना, अम्मी आज सुबह में मैंने बोली थी ना कि मेरे को खीमा नहीं आता और आज देखो बना भी ली, इस बहाने बन भी रहा है। मसाला खीमा है ना, यस। तो प्लीज आप लोग जरूर देखना वो चैनल पे है ना अम्मी रेसिपी, यस। तो मैं अम्मी को बोली भी रहन दो मत करो, तो अम्मी बैठ गए, बोले अच्छा लग रहा है मेरे को जरा अच्छा लग रहा है, इंजेक्शन ले ली बोल के मेरे को अच्छा हो गया ना, पसीना अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मेरा पूरा ना बहुत भारी भारी हो गया सर ऊपर से वही, और वो गुलाब पानी डाले थे तब से आँख में जलन कम है, थोड़ा सा कम था लेकिन वापस से मेरे को जल रहा था, अपने हड्डी का बुखार था उसकी वजह से मेरी आँख और सब जल रही थी बहुत ज्यादा, तो इंजेक्शन दिया तो इसलिए पूरा पसीना निकला, हड्डी का पूरा बुखार तो निकला, अभी तो आराम में दवा खाऊंगी, दवा खाई नहीं ना, अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। सो गाइस आप लोग भी कमेंट करके बताना, अम्मी के लिए दुआ करना जरूर, कमेंट भी करना दुआ भी करना। सो चले मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना हो गया, अम्मी कैसा लगा कीमा मसाला? अच्छा बना था? अच्छा बनाई थी।
यस, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। अम्मी मुझे गाइड करते जा रहे थे, बताते जा रहे थे और मैं बस बनाते जा रही थी। एंड गाइज, मैं अभी भी बोल रही हूँ आप लोगों को कि मैंने वो वाले चैनल पे रेसिपी डाल चुकी हूँ, सो फटाफट से जाए एंड वो रेसिपी देखे, है ना अम्मी? और इसके चैनल, मुस्कान के चैनल पे आई रेसिपी। यस, एंड गाइज, मैं वो चैनल पे भी 1K के बहुत करीब हूँ, सो प्लीज़ जल्दी से वहाँ पे भी मेरे 1K करा दो, है ना, फटाफट। यस, एंड अभी अम्मी की यही तबीयत थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर लग रही है, क्योंकि इंजेक्शन दिया था डॉक्टर ने, तो उनको कैसे पसीना, काफ़ी पसीना निकला, तो इस वजह से लुकमानी हयात तेले, वो तो जख्म का है ना, मालिश भी कर सकते उससे, पता नहीं। अब्बा का थोड़ा पैर में ना बहुत दर्द हो रहा, तो वही तेल लगा रहे थे। सो बस गाइज, आज का व्लॉग हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बहुत छोटा सा ही व्लॉग है। अम्मी की तबीयत ख़राब थी और फिर कैसे काम वाम ये सब में व्लॉग ही शूट करना भी रह गया, नहीं कर पाए, तो बहुत छोटा सा व्लॉग हमने आज बनाए। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाए और दोनों चैनल सब्सक्राइब करें। और मेरा पैर में बहुत दर्द है, मैं मालिश कर लेता हूँ। उनका पैर से सूज गया है, तभी जब बस काम वाम करके अब जगह से बिस्तर लगा के बैठे थे, तो मिली चलो व्लॉग एंड कर देते हैं। सो चले फिर करें, कुछ बोलना है? यस, लव स्टोरी का वो भी मिलेगा आपको 2 दिन बाद इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हो हमारी मैडम थोड़ा बीमार हो गए, आवाज सही हो जाएगी तो। यस, वो बोल नहीं पा रहे ना इस वजह से, तो इंशाल्लाह गला जाम हो गया मेरा इसकी वजह से। फिर भी ठंडा पानी पी रहे ना अब्बा? पीने हॉस्पिटल नजदीक है, भर्ती करवा दूंगा। मतलब इतनी उनको है, फिर भी खाना खाने टाइम पे ना उन्होंने ठंडा पानी ही पिए, तो वही अब्बा चिल्ला रहे। सो इंशाल्लाह जल्दी लव स्टोरी का ब्लॉग भी आएगा गाइस, बस अम्मी जल्दी से अच्छी हो जाए तो दो ब्लॉग में पूरा होएगा, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, चलेगा ना? क्या है गाइस, पार्ट 2 तो आप लोग देखोगे ही ना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखोगे ना, कॉमेंट में बताना, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है वो। अरे तो लव स्टोरी बड़ी ही होती है, कौन सी लव स्टोरी छोटी होती है बताओ जरा मुझे, बड़ी ही होती है। 2001 या नहीं 2000 से स्टार्ट होगा, 2000 से। हाँ, तो कहाँ पे खत्म होगा? 2000 से स्टार्ट होगा तो 2005 में खत्म होगा वो। पाँच साल नहीं, मतलब अफजल की शादी कब हुई थी? मुझे अब पता चल रहा है कि रिलेशनशिप इन लोग का ये 5 साल का था। ओ माय गॉड, 5 साल का नहीं था। आ देखो, अब भी बोले 5 साल का था, दो तीन या अल्लाह, इन लोगों को खुद नहीं पता इन लोगों का कितने साल का रिलेशनशिप था। 2000 में 2019 अरे 2000 के पहले क्या था, 19 में मैं मालूनी में था। हाँ। और 2000 जाने दो, तब सब वो ब्लॉग में बताना। अभी गाइस इन लोग ना खुद का लव स्टोरी बताने वाले, इन लोग भूल गए, लोग 2 साल रिलेशन में थे के 5 साल रिलेशन में थे, इन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है, बट याद करना। हमें तुमको भी नहीं याद है कितने साल रिलेशन में थे? क्या बैल बुद्धि को कुछ नहीं याद रहे? नहीं याद है, बाप रे। मैंने सुनी थी लड़कियों को याद रहता है, लड़कों को नहीं रहता, बट यहाँ पे तो मेरी अम्मी को याद नहीं, मेरे अब्बा को याद है। याद है हम लोग का 2-3 साल था, 2 साल जैसे मेरे भाई की शादी थी, मेरे भाई की शादी में हम लोग गए थे। ये सस्पेंस बड़ा बिगड़ जाएगा, तो वही सब चैनल पे इन लोग अभी थोड़ा कैसे माइंड अपना याद करेंगे सारी चीजें, तो आप लोग को वो वाले व्लॉग, मतलब जब वो व्लॉग बनेगा ना लव स्टोरी का, तब बता देंगे। एंड ये मुझे अब भी पता चला कि इन लोग का इतना लंबा रिलेशनशिप था, माशाल्लाह, मुझे खुद भी नहीं मालूम था। मैंने ऐसे सोची नॉर्मली हुआ फिर सीधा शादी हो गई, बट ये तो मेरे लिए भी नया ही था। सो चले, हम लोग को भी पूरी डिटेल में पता चलेगा जब उन लोग का व्लॉग बनेगा। और मगे चले फिर गाइस, अभी लोग का चल रहा है अभी थोड़ा, अभी लोग माइंड अपना याद करेंगे क्या है क्या नहीं। सो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल। Let me up with a bright smile on now, me in the dark, so won't get lost now, to the moonlight eyes you are real right now, you look